तो चलो प्यारे बच्चों, एक एक सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन, और हम लोग पूरी सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आप यूट्यूब के जो सर्च बॉक्स है उसमें सर्च करो मेरे सोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें मिलेंगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इन सीरीज एलआर सर्किट जो एक्सएल है आर के बराबर है, तो पावर फैक्टर कितना है? पी वन। तो चलो केस फर्स्ट को अगर इसमें तुम देखोगे, फर्स्ट केस में, तो सीरीज एलआर सर्किट मतलब एक यहाँ पर एक इंडक्टर है और एक यहाँ पर भाई रजिस्टर है, तो इसको बोलते हैं सीरीज एल आर सर्किट। और इस सीरीज एल आर सर्किट में देखोगे ये एल आर, तो यहाँ से इसका जो एक्सएल है और आर के इक्वल है, तो पावर फैक्टर पी वन है। तो पावर फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर पावर फैक्टर यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करोगे, पावर फैक्टर पी वन, तो इस पावर फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस, है ना, डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस। तो इम्पेडेंस, तो रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस आर अपॉन इम्पेडेंस की वैल्यू जेड है। तो अगर जेड की वैल्यू यहाँ तुम तो निकालोगे तो रेजिस्टेंस आर और इम्पेडेंस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स एल और आर आपस में इक्वल है, तो यहाँ से आर और ये अगर आपस में इक्वल है तो ये आ जाएगा आर बाई रूट टू। तो आर बाई रूट टू तो अगर देखोगे तो यहाँ से 1/√2, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पावर फैक्टर पी वन। अब दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार हमने सर्किट बदला है, ठीक है। अब केस टू में कहता है कि वेन ए कैपेसिटर, अब कैपेसिटी सी लगा देते हैं सर, दैट एक्सएल एक्सी बराबर है, तो पावर फैक्टर टू है। तो वैसे तो यार रिजोनेंस सर्किट में तुम देखोगे, ये अगर मैं यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया और एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया, तो और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल है, तो ये एक्सएल है और ये एक्ससी है और ये आर है, तो एक्सएल बराबर है एक्ससी के, तो जो इम्पेडेंस है जेड की वैल्यू एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्ससी स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और प्लस आर का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कट के जीरो हो गया, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। तो अगर यहाँ से जेड की वैल्यू आर आ जाएगी तो पावर फैक्टर पी टू की डिफाइन कैसे करते हैं? तो रेजिस्टेंस अपॉन इम्पेडेंस, तो रेजिस्टेंस आर है, इम्पेडेंस भी आर है, तो पावर फैक्टर वन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको याद ही होगा। तो हमें निकालना पी वन अपन पी टू, तो रेशियो पी वन अपन पी टू की जो वैल्यू आ जाएगी, तो पी वन 1/√2, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो अगर ये इसका फाइनल सोल्यूशन है तो देखो 1/√2 इसका सोल्यूशन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।